हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सीएसआईआर नेट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज डिफाइंड एज द थर्मल और फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इनटू साइक्लिक सिस्टम। इंपॉर्टेंट थिंग थी, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट था। डेफिनेशन से पता चला कि इसको असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऑब्वियसली अल्किन तो नहीं होगा, अनसैचुरेटेड लेकिन स्मॉलेस्ट है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं। तो स्मॉलेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है, ब्यूटा डाइन होगी। उसके बाद क्या कहा है, कंडीशन थर्मल और फोटोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो कंडीशन ये रहेगी, कन्वर्जन किस में होगा, इनटू साइक्लिक कंपाउंड। यहां तक इतनी इंफॉर्मेशन पता चली। बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, कौन सा वाला होता है, ये वाला न्यू सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द एंड ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन अ कंसर्टेड मैनर। मतलब क्या, कंसर्टेड मतलब कंटिन्यूअसली रोटेशन, ये कंसर्टेड मैनर में मिले। और कहां पर मिली, तो एंड ऑफ दिस सिस्टम मतलब इस वाले कार्बन पर मिली है। ठीक है, सिंपल सी, जितनी फॉरवर्ड ट्रू है उतनी ही बैकवर्ड भी यही कहते हैं, चाहे थर्मल और फोटोकेमिकल। जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे, इस रिएक्शन को कहते हैं रिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। जब बैकवर्ड आते हैं इसको कहेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान सी है। सेम उसी तरह से अगर इसके हायर देखा जाए तो हायर पॉलिन सिस्टम कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, हेक्साडाइन। इसमें क्या होगा, सेम थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, क्या मिल जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। फॉर्मेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस न्यू सिग्मा बॉन्ड। और कहां से मिल जाएगा, एक टर्मिनल लोब इंटरैक्ट करने तक के बाद मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, थर्मल और फोटोकेमिकल। ठीक है, इसके लिए भी क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, और जब रिवर्स आते हैं उसके लिए क्या, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। आसान सी है, एकदम आसान। लेकिन अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर देखो। यहां पर तो सिंपली सिस्टम है, लेकिन एग्जाम में होता है क्या, कुछ आपको इस तरह से सिस्टम दी जाएगी और यहां पर कुछ तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब जाके आपको पूछेगा कि भाई यहां पर ऐसे क्या लिया जाए तो जिससे आपको प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा ट्रांस, और दूसरा कुछ ऐसे, यहां पर ऐसा क्या लिया जाए जिससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। मतलब यहां पर आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है। स्टार्टिंग मटेरियल तो सेम है दोनों के लिए, डिफर क्या है, कंडीशन का। मतलब अब कंडीशन भी कुछ ज्यादा नहीं है, दो ही है, एक तो थर्मल है और एक तो फोटोकेमिकल है। तो डिफर किस में आता है, ये जानने के लिए हमको इसकी एमओटी जानना जरूरी है। एमओटी मतलब क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जानना जरूरी है। ठीक है, हम सिस्टम एक का देख लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि उसको याद कैसे रखना है। ब्यूटाडाइन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार कार्बन है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन मतलब उतने नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक सिस्टम बना दी कुछ ब्यूटाडाइन। यहां पर जो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, जो पाई बॉन्ड बनता है उसके पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये दूसरे वाले सिस्टम ऐसी। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, तीसरा ऑर्बिटल, और ये जो है इसका चौथा वाला। आपको ये टर्म पता है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो चार कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंडिकेशन क्या होता है, साई वन। तो साई वन, साई टू, साई थ्री एंड साई फोर, ये चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या बोलता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का दिखाता है कि मॉलिक्यूल में किस तरह से होगी। हो सकती है कि प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो कि चारों के चारों ऑर्बिटल्स के जो लोब होते हैं वो सेम साइन हो, या दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि दो ऑर्बिटल का लोब का साइन सेम हो, दूसरे दो का अपोजिट हो। उसके बाद क्या हो सकता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस,
इस तरह से प्रोबेबिलिटी रह सकती है। और तीसरा जो है चौथा, प्लस माइनस इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सिंपल, आपको याद नहीं रहता तो एक सिंपल सा देखो, जब आपके पास इवन नंबर है, क्योंकि हमें टर्मिनल ना से डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर एंड पर क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एंड रिएक्टिव सेंटर में पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है टर्मिनल वाले लोब भी रहता है, ठीक है। तो इस टर्मिनल वाले लोब का साइन क्या है वो हमारे लिए चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कभी इवन नंबर रहता है तब आपके टर्मिनल लोब का साइन कैसे रहेगा, सेम साइन, ठीक है। और जब भी आपका साई का नंबर ऑड होता है तब भी आपको क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइन। ये क्या है, साई नंबर, ठीक है, ऑड या इवन, इतना जान लो। कैसे देखो, यहां पर जब वन रहता है तो प्लस प्लस आ गए, यहां पर जब टू रहता है तो प्लस माइनस आ गए, यहां पर तीन, तीन कैसा है ऑड नंबर तो क्या आ गए, प्लस प्लस आ गया। फोर कैसा है, इवन नंबर तो प्लस माइनस आ गया। सिंपल सा समझ लिया। अब ये समझना क्यों है, क्योंकि देखो हम देख रहे थर्मल कंडीशन में ये किस तरह से रहेगी सिस्टम। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये सिस्टम है ना हमारी, तो दो पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन चार है, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो सकती है। तो साई वन में दो गए, साई टू में दो गए, अब सिस्टम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो साई थ्री और साई फोर एम्प्टी हो जाएगा। वही अब हम जब फोटोकेमिकल कंडीशन में देखेंगे तो यहां पर देखना क्या कि फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के दोनों फिल हो गए, लेकिन सेकंड ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या है कि जब थर्मल कंडीशन होगी तब आपको ये वाली जो सिस्टम होगी इसको कहते हैं होमो, इस साई टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और जब फोटोकेमिकल कंडीशन रहती है तब साई थ्री आपका होता है होमो। अब ये क्या चीज है होमो, होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या है कि वो जो सिस्टम है उसमें से ए वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और वो रिएक्टिव पार्ट होगा। तो जब थर्मल होती है तब साई टू और फोटोकेमिकल होती है तो साई थ्री। जब साई टू होगा तो टर्मिनल के लोब का साइन देखो क्या है, प्लस माइनस। जब साई थ्री रहता है तो टर्मिनल के लोब का देखो क्या साइन है, प्लस प्लस। अब देखते कि हमें क्यों देख रही है, साइन का क्या मतलब है, क्योंकि साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन बनना है, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए दो पी ऑर्बिटल एंड कार्बन के क्या होने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए। वो जुड़ते कैसे है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो पी ऑर्बिटल के वही लोब इंटरैक्ट करेंगे जिनके साइन सेम होते हैं। तो देखो अगर हमने क्या कर दिया, साई टू ले लिया थर्मल कंडीशन का, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है साइन, प्लस और यहां पर माइनस, मतलब नीचे वाले पर प्लस रहेगा यहां पर माइनस। इसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसी तरह से एक तो ऐसा रोटेट होना पड़ेगा सेम डिरेक्शन में, ताकि क्या हो जाए, ये जो दो लोब का जो साइन है यहां पर भी प्लस आ जाए और यहां पर भी प्लस आ जाए, सेम साइन चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, एक लोब क्या करेगा यहां पर करेगा, दूसरा यहां पर करेगा, मतलब निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये वाली ओवरलैपिंग होना जरूरी है, सेम साइन जुड़ना। जब दोनों लोब सेम साइड में या आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं तो उस रोटेशन को कहते हैं कौन रोटेशन। ये न्यू कंसेप्ट आ गया, इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेना, ठीक है। अब दूसरी जो चीज होती है, अगर हमने एच न्यू कंडीशन में देख लिया तो साई थ्री होमो होता है, साई थ्री होमो होता है तो टर्मिनल वाले लोब पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, क्योंकि ये नंबर कैसा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो प्लस प्लस। तो इसको रोटेशन करने के लिए कैसे हो जाएगा, दोनों अपोजिट रोटेट हो जाएंगे। अब दोनों अपोजिट रोटेट हो जाएंगे तो ये लोब कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, अब जाके यहां पर साइन आएगा प्लस और प्लस, मतलब ओवरलैपिंग इनमें हो गई और होने के लिए इनको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ा और उसी रोटेशन को कहते हैं डिस रोटेशन। क्लियर है,
कौन रोटेशन? सेम साइड, डिस रोटेशन अपोजिट साइड, किसका रोटेशन? टर्मिनल लोब का रोटेशन। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है देख लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन का कैसा था? कुछ ऐसा था, आपको पूछा था कि भाई ये कैसा है, और आपको क्या दी गई, यहाँ पर थर्मल कंडीशन है और यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पहला आपका टास्क, अब अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं, पहला टारगेट क्या होगा कि सिस्टम पहचानना, सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन से फोर है, तो मैं क्या कहूंगा, ये फोरियन सिस्टम है, दो पाई बॉन्ड मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, फोरियन सिस्टम है। फोरियन सिस्टम में थर्मल में क्या होगा, इसका जो होमो आता है वो कितना होता है, साइड टू होता है, अभी देखा था। साइड टू से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, टर्मिनल लोब के साइन की, टर्मिनल लोब में साइन क्या होगा, प्लस माइनस। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनका जो रोटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम साइड में, सेम साइड में मतलब कौन रोटेशन। जब कौन रोटेशन होगा तब देखो, मैं इसी वाले में आपको शो कर देता हूं, ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, यहां पर आ जाएगा माइनस। अब मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को एक दूसरे के अपोजिट कह सकता हूं क्या, अपोजिट है, ये ऐसा रखा, ये ऐसा रखा, कौन रोटेशन होने के लिए ये ऐसा जाना पड़ेगा, ये ऐसा जाना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसा, इस तरफ से एक मिनट को, यहां पर ये प्लस, यहां पर प्लस, प्लस प्लस, ए वाला लोब यहां पर, ए वाला लोब यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि होमो क्या है, साइड टू है, तो इसको इस तरह से रोटेट होना पड़ेगा, इसको इस तरह से रोटेट होना पड़ेगा। जैसे ही रोटेट हो गए, अब देखो क्या हो गया, ए वाला ऑर्बिटल ऐसे, ए वाला ऑर्बिटल ऐसे, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये वाला प्लस, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई। जब ओवरलैप हो रहे थे तो देखो ये वाला कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहां आ गया ऊपर की तरफ, और ये वाला ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये कैसे जाएगा, नीचे आएगा, तो मतलब ऐसा हो रहा है। अगर मैंने इस सिस्टम को ऐसे निकाल दिया तो क्या होता है, ऐसे एक वाला जो रहेगा टॉप में रहेगा, दूसरा वाला बॉटम में रहेगा, क्लियर है। वही अगर ये वाली सिस्टम एचन्यू कंडीशन में है, तो एचन्यू कंडीशन में सेम पैटर्न करना है। पहले क्या देखा मैंने, सिस्टम कैसी है, फोरियन सिस्टम है। दूसरा क्या देखा, कंडीशन, कंडीशन कैसी है, एचन्यू फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो मुझे होमो की इंफॉर्मेशन मिलेगी। होमो क्या होगा इसका, साई थ्री होगा। साई थ्री नंबर कैसा है, ये नंबर ऑड है, ऑड है, तो टर्मिनल लोब कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, प्लस प्लस। अगर टर्मिनल लोब का साइन प्लस प्लस है तो रोटेशन कैसे करना पड़ेगा, डिस रोटेशन करना पड़ेगा। अगर डिस रोटेशन करते हो तो मतलब आप देखो एक कैसे हल हुआ इसका, कुछ ऐसा है हमारे पास, ये वाला लोब ऐसा, ये वाला लोब, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐसे एक दूसरे को अपोजिट, यहाँ पर साई थ्री होमो है तो क्या रहेगा, प्लस प्लस। अब ये ओवरलैप करने के लिए दोनों लोब को कैसे आना पड़ेगा, अपोजिट डिरेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से, ये वाला लोब ऐसे होगा, ये वाला लोब ऐसे होगा, देखो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस प्लस। लेकिन अब जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी ये रोटेशन कौन सा हो गया, डिस रोटेशन, तब ये सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऊपर जाएगा, और ये ऐसा रोटेट हो रहा है अपोजिट से, ये भी क्या जाएगा, ऊपर। इसको मैं अगर शो करूं तो कैसे कर सकता हूं, ये वाली सिस्टम यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये वाला टॉप में है, दूसरा भी टॉप में, डिफरेंस समझ में आ गया। जब कौन रोटेशन था तो अब सेम साइड में रोटेशन करने के बाद आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, डिस रोटेशन होने के बाद आपको जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सीस मिलते हैं, क्लियर। अब देखिए, अभी ये तो आपको जस्ट थीम बता दी, एक्सप्लेनेशन बता दिया, अब हिंट भी होती है कि हमको देखते ही कैसे सॉल्व करना है भाई, इतना तो करने के लिए टाइम नहीं होता एग्जाम में हमारे लिए। तो देखो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अभी यहां पर क्या है, इस तरह का है, मेरे को थर्मल दिखा, यहां पर फोटोकेमिकल दिखा, हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालने की जरूरत नहीं, पहले ही मैंने सिस्टम को देखा, सिस्टम कैसी है, फोरियन है। दूसरा मैंने टास्क देखा कि कंडीशन कैसी है, कंडीशन थर्मल है, जैसे थर्मल कंडीशन दिखा मेरे को, इसकी होमो की इंफॉर्मेशन मिली, होमो क्या होगा, साई टू, साई टू के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, टर्मिनल लोब की,
टर्मिनल लोब कैसे होंगे, प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस। अभी प्लस माइनस लोब होता तो पांचवी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन होगा कौन रोटेशन। और सिंपल सी बात है, कौन रोटेशन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज, आप ऐसे याद रख सकते हो, सी मतलब चेंज, है ना। अभी ये अपोजिट है, अपोजिट है तो यहां पर क्या होगा, सीस है तो यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि भाई ये सिस्टम एच न्यू कंडीशन, फोरियन सिस्टम है, दूसरा एच न्यू कंडीशन है, तीसरा पता चला इसका होमोसाइथ्री है, चौथी बात पता चली साइथ्री है तो टर्मिनल लोब प्लस माइनस रहेंगे, सॉरी प्लस प्लस रहेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो इसको रोटेशन क्या रहेगा, डिस रोटेशन रहेगा। डी मतलब डोंट, क्या डोंट, सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं चेंज करनी। देखो ये वाला यहां पर आ जाएगा, या ये दोनों सी से तो यहां पर भी क्या मिल जाएंगे, सीस मिल जाएंगे, सिंपली आ गया। नहीं ये तो आप एक चीज याद रखो, क्या याद रखना है, सिंपल सी ट्रिक, ओ डी सी, ओ डी सी, ओ सी टी, यहां पर क्या एस डी टी, यहां पर क्या एस सी सी, ये इतने चार चीजें याद रखो आपका काम बन जाएगा। इसका जो ओ का मतलब होता है क्या, अपोजिट होने चाहिए, क्या अपोजिट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट, जब अपोजिट होंगे और इसको अगर कंडीशन ऐसी मिली कि डिसरोटेशन होना है तो प्रोडक्ट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो सीस आ जाएगी, ओडीसी, ठीक है। दूसरा क्या है, ओसीटी, जब अपोजिट रह जाएंगे लेकिन रोटेशन अगर इसका कौन रहता है तो आपको प्रोडक्ट जो मिल रहेगा क्या मिल जाएगा, ट्रांस मिल जाएगा। तीसरा देखना एसडीटी, मतलब बात चल रही है किसकी, इसकी, जब ये दोनों साइड में सेम है ना, ये डायरेक्शन देखो, ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, जब सेम साइड में रहते हैं तब क्या रहेगा, सेम साइड में, और डिस रोटेशन आ गया तो प्रोडक्ट कैसे रहना चाहिए, ट्रांस रहना चाहिए। सेम साइड में है लेकिन अब रोटेशन इसका कौन रोटेशन आ गया तो प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा, सीस रोट सीस मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तो अभी अभी अप्लाई करते हैं। देखो हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, यहां पर है, यहां पर है, अभी आपको एरो पर दिया थर्मल कंडीशन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सिस्टम हमारी कैसी है, फोरियन है, कंडीशन कैसी है, थर्मल है, होमो क्या होगा, साइटू, साइटू मतलब क्या, प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब क्या, कौन रोटेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेम साइड में है, कौन रोटेशन है, प्रोडक्ट मिल जाएगा सिस, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, इतना एक तो इतना करो या तो सिंपल इतना याद रखो, सेम साइड में है, थर्मल है तो यहां पर कौन रोटेशन हो जाएगा, तो सीस आ गया, तो यहां पर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सीस रहनी चाहिए। दूसरा देखो एच न्यू कंडीशन में यही कर रहे हैं, सेम साइड में है रोटेशन, फिर इसका होमो क्या आ जाएगा, फोरियन सिस्टम एच न्यू कंडीशन, होमो आ जाएगा आपका साइथ्री, साइथ्री मतलब क्या, प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब रोटेशन क्या होना है, डिस रोटेशन। जैसे ही डिस रोटेशन आ गया तो सेम साइड डिस रोटेशन आपको मिलेगा क्या, ट्रांस प्रोडक्ट। देखो ट्रिक कैसे अप्लाई हो रही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऐसा यहाँ पर ये ट्रांस, बस इस ट्रिक को फॉलो करना है। ये वाली चीज सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि भाई और कैसे, सिंपल हमने क्या कर दिया, अब सिस्टम बढ़ा दिए, ये वाली सिस्टम है, यहां पर कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब देखो सिस्टम मैंने यहां पर थर्मल दे दिया, यहां पर फोटोकेमिकल दे दिया, अब सिस्टम हमारी कैसी है, 4n+2, 6 है ना, तो 4n+2 सिस्टम है, जब और दूसरी कंडीशन कैसी है, थर्मल है, तो इसका होमो क्या हो जाएगा, साई 3 आ जाएगा। साई 3 मतलब क्या होता है, साई 3 मतलब ये नंबर ऑड है, ऑड है मतलब टर्मिनल पे कैसे साइन आ जाएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे। जब टर्मिनल पे प्लस प्लस साइन आता है तो रोटेशन कैसे हो जाएगा, डिस रोटेशन, ठीक है। तो देखो यहां पर अभी फिलहाल कैसे अपोजिट है, डिस रोटेशन हुआ, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी मिलनी चाहिए, सिस मिलनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये वाला सिस, ये वाला सिस।
दूसरा देखो एच न्यू कंडीशन है, सिस्टम अभी भी 4n प्लस 2 है, कंडीशन एच न्यू है, इसका होमो क्या आ जाएगा साई 4। 4 नंबर कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन कैसे आ जाएंगे टर्मिनल लोब पर, प्लस माइनस अपोजिट। तो इसके लिए रोटेशन क्या करना पड़ेगा, कौन करना पड़ेगा, तो जैसे देखो क्या आ गया आपका अपोजिट कौन, तो क्या रहना चाहिए ट्रांस, ओ सी टी आना चाहिए, तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम में एक आया हुआ क्वेश्चन कि कैसे आपको कुछ इस तरह से दिया गया था और आपको बस पहचानना है कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे आ गया है, कौन से रोटेशन से आया है और क्या कंडीशन इसके लिए लगती है। तो देखो यहां पर कैसा है, ट्रांस है तो आपको जानना पड़ेगा, आपको चार ऑप्शन रह गए, थर्मल कंडीशन, डिस रोटेशन, थर्मल कंडीशन, कौन रोटेशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, डिस रोटेशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, ट्रांस। अगर सिस्टम भी पहचानना है तो फोरियन सिस्टम या फोरियन प्लस टू सिस्टम। अब ये वाला जो देखो दोनों सिस्टम से आ सकता है, फोरियन सिस्टम इन्वॉल्व हो गई तभी भी आ सकता है, फोरियन प्लस टू सिस्टम हो जाए तभी भी आ सकता है। कैसे देखो, अगर मैंने मान लिया कि यहां पर फोरियन सिस्टम है तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो जो सिक्स मेंबर थी 1 2 3 4 5 और 6 ये तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। उसके बाद देखो ये जो फोर मेंबर रिंग रहती है कौन सी, इतनी, इसके बीच में क्या हुआ, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूं 6-5-6-5, देखो ऐसी वाली सिस्टम आ गई। अब रहा मैटर, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री का, अभी फिलहाल ये देखो हाइड्रोजन यहाँ 5 पे का और 6 पे का कैसा है, एक दूसरे के लिए अपोजिट है, तो हमको कैसा पता है, अपोजिट हो जाने पर दो ट्रिक है हमारे पास, ओ डी सी, दूसरी ओ सी टी। एक तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट है और प्रोडक्ट में दिखाया गया कि ये ट्रांस है, तो ऑब्वियसली यहाँ होना क्या चाहिए, कौन रोटेशन होना चाहिए। अब थर्मल में अगर ले लिया मैंने कंडीशन, फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा टास्क है। अब कौन रोटेशन कब कब होता है, जब फोरियन सिस्टम रहती है तब थर्मल में होता है, और जब फोरियन प्लस टू रहती है तब एच न्यू कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। तो अगर हमने यहां पर फोरियन सिस्टम कर दी तो ऑब्वियसली यहां पर सिस्टम कौन सी आनी है, थर्मल आनी है। अब क्रॉस चेक करते कि अभी फिलहाल मान लेते कि वह थर्मल कंडीशन है, फोरियन सिस्टम में इसका होमो होगा साई टू, साई टू मतलब नंबर कैसा है, इवन नंबर, इवन नंबर है तो टर्मिनल पे लोब क्या रहेंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस लोब है तो रोटेशन कैसे रहेगा इसका, कौन रोटेशन। देखो थर्मल आ गया, कौन रोटेशन, और कौन रोटेशन में होता क्या है, अब जाओ अपोजिट, कौन रोटेशन, ट्रांस आ गया, ट्रांस। मैंने फॉरवर्ड भी जाके देखा, बैकवर्ड भी जाके देखा, दोनों तरीके से क्लियर है, ठीक है, आसान है, ट्रिक अप्लाई करना है। अब सिंपली हम इससे ही देख लेते हैं कि भाई ये वाली चीज कैसे मिलती है, इससे आपको ये वाली चीज कैसे मिलेगी, H और एच ए ए सेम इसी की तरह है, लेकिन मैंने अभी आपको यहां दे दिया कि आपको कंसिडर क्या करना है, फोरियन सिस्टम नहीं, आपको सिस्टम फोरियन प्लस टू कंसिडर करना है। अगर सिस्टम फोरियन प्लस टू कंसिडर कर दी तो मैं क्या मान लेता हूं कि ये इसी सिस्टम, यहां पर ये 6 7 8, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गए, और 7 और 8 के बीच में अभी भी बॉन्ड जैसे का वैसा है, ठीक है, इस तरह की सिस्टम आ गई। जब फोरियन प्लस टू सिस्टम रहेगी और प्रोडक्ट ट्रांस आ गया है तो मैं इससे ट्रिक लगा सकता हूं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के लिए अपोजिट है, तो अपोजिट है फोरियन प्लस टू सिस्टम में, तो इसका होमो क्या हो जाएगा। अब कंडीशन मैटर करती है ना कि कंडीशन क्या रहनी चाहिए, तो ट्रांस आते हैं तो यहां पर ट्रांस है, अपोजिट ट्रांस मतलब बीच में कैसा रोटेशन होना चाहिए, कौन, और फोरियन सिस्टम के लिए कौन तभी पॉसिबल है जब आपके लिए क्या रहेगा, एच न्यू कंडीशन रहेगी। कुछ समझे, आपका टास्क क्या था, आपको कंडीशन क्या आएगी ये बताना था, तो सिंपली हमने क्या कर दिया,
स्टार्टिंग मटेरियल में देखा सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट है, प्रोडक्ट में देखा कि ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस आई है, तो ऐसी हमारे पास एक ही ट्रिक है, जब अपोजिट रहता है प्रोडक्ट ट्रांस आता है तो रोटेशन मस्ट है कि कौन रहेगा, और फोर एन प्लस टू में कौन तभी आ सकता है जब एच न्यू कंडीशन होगी, अगर डिस होता है तो प्लस प्लस साइन होगा ना, क्लियर है, सिंपल सी चीज है। ओके, थैंक यू।